श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर उठाए सवाल। आज बेलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रमोद मुतालिक ने शिव उपार के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा पेश किया है। उन्होंने कहा कि शिव उपार के कत्ल को 9 महीने का लंबा अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस अभी तक इसके कातिल का पता लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने सख्त लहजे में डिप्टी कमिश्नर से कहा कि पुलिस मजीद वक्त जाया न करते हुए अगले 15 दिनों के अंदर मुजरिमों को गिरफ्तार करे, वरना मकतूल शिव उपार को धमकी देने वाले शख्स को हम खुद लाकर पुलिस स्टेशन हाजिर करेंगे। इसके अलावा पीरनवाड़ी होप्स रिकवरी सेंटर चर्च में संतोष नायक नामी शख्स की लाश पाखाने में टावेल से फांसी लगाए हुए हालत में पाई गई थी, जिस पर मुतालिक ने कहा कि उन्हें शक है कि ये कत्ल का मामला है। अगर इस मामले से जुड़े मुजरिमों को 15 दिनों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो चर्च को आग लगाने की धमकी दी है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर प्रमोद मुतालिक ने पीओपी गणपति बनाए जाने को लेकर अर्जदाश्त भी पेश की है। उन्होंने कहा कि पीओपी गणपति बनाए जाने पर रोक लगा देनी चाहिए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस जबान में तकरीबन 4 साल से मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं। कोल्हापुर से बड़ी तादाद में ये काम जारी है। महाराष्ट्र से आने वाली तमाम गणपतियों पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में श्रीराम सेना खुद कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएगी। कर्नाटक राज्य ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಿಒಪಿ ಗಣಪತಿಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪಿಒಪಿ ಗಣಪತಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಣಪತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ ಪಿಒಪಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಟೋಲ್ ನಾಕಾದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾನೂನು ನಾವು ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.